सो गाइस, नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम कंप्लीट कोर्स लाइव बैच में अपडेटेड सिलेबस के साथ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए भी, इवन देन नेटवर्क इंजीनियर या एडमिन के लिए भी आप ये कोर्स कर सकते हो। काफ़ी एडवांस प्रोग्राम ये आपके लिए हो जाता है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी कन्फिग्रेशन, लैब, ट्रबल शूटिंग, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, प्लस साथ में 70-80% का डिस्काउंट भी हमारे कोर्सेज पर आपको मिल रहा है। कोर्स को आप इनरोल कर सकते हो। वीकेंड में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, हमेशा बैचेस हर मंथ नए बैचेस रन होते हैं, तो आप लोग किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हो। पहले बात करते हैं नेटवर्क इंजीनियर के लिए, सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये कोर्स कैसे आपको हेल्प करेगा, क्या क्या कॉन्टेंट इसके अंदर मिलते हैं, कितना बेनिफिशियल है, वो सारी चीज़ें आप इसमें सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, कोई ऐड वगैरह डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, बस लास्ट तक वीडियो को देखो। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कोर्स वेयर, हमारा प्राइमरी जो कोर्स है वो है CCNA 200301, साथ में नेटवर्क सिक्योरिटी और CCNP NRC का भी कंटेंट आपको मिल रहा है। हालांकि ये बहुत एडवांस हो जाता है, तो इसमें से ऐसे कंटेंट जो CCNA में मिसिंग है वो आपको रखा गया है, और आसानी से आप राउटिंग एंड स्विचिंग को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि बिना राउटिंग स्विचिंग आपका CCNA अधूरा होता है, तो उसको पूरा करने के लिए मैंने इसमें से मल्टीपल कंटेंट ऐड कर दिया है। होप कि आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे के पॉइंट को लेकर। CCNA अपडेटेड सिलेबस है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, CCNP NRC है, इंटरेक्टिव लाइव सेशन हम लोग जूम पर क्लास करते हैं, तो ड्यूरिंग लाइव सेशन आपको जो प्रॉब्लम होती है, जो भी सोल्यूशन चाहिए होता है, कहीं आपको प्रॉब्लम है, कोई लैब नहीं हो रहा है, लैब एक्सेस नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो लाइव क्लास में हमारे द्वारा सॉल्व करवाया जाता है। इवन देन कोई क्लास आपसे मिस होगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा, लाइव बैच का अनएडिटेड होगा, ऐसा नहीं कि कोई एडिटेड या ट्यूटोरियल वीडियो मिलेगा, लाइव बैच का ही वीडियो मिलता है। तो आपको जब भी वीडियो माध्यम से देखेंगे तो भी लगेगा कि आप बिल्कुल एक लाइव सेशन में ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं। और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। लाइव कोर्सेज के लिए हम अपने पोर्टल पर एक्सेस दे देते हैं, हालांकि यहाँ पर आप रिकॉर्डेड वीडियो का अगर सिर्फ आपको कोर्स एक्सेस करना है तो वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप इनरोल करते हैं तो ओनली रिकॉर्डेड वीडियो का एक्सेस मिलता है। लाइव क्लास के लिए एक ही सोर्स है हमारे पास, व्हाट्सएप नंबर पर जाकर बात करें, चैट सपोर्ट लें, और जो भी बेस्ट ऑफर है, लाइव क्लास का क्या सिनेरियो है, कब से स्टार्ट हो रहा है, वो चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगी पूरा अपडेटेड कंटेंट के साथ। 2 महीने का प्रोग्राम है, हालांकि कभी 70 दिन 80 दिन भी लग जाता है, कभी 55 डेज 50 डेज भी होता है, तो अप्रॉक्स 2 मंथ का प्रोग्राम इसको ले लो। बहुत एडवांस डीप डाइव हम लोग चलते हैं, लैब वगैरह बहुत सारी लैब आपको होती, इतनी लैब हो जाती हैं कि आप लगभग में उतनी प्रैक्टिस करते करते 2-4-6 महीना लगा देते हो। प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ या लाइव क्लासेस की जो वीडियोज़ होती हैं वो आपको मिल जाती हैं वेबसाइट पर, मोर देन 80+ आवर्स का कंटेंट होता है। हालांकि मल्टीपल सब चीज़ें आपको लाइव क्लास में सर्व करी जाती हैं, और जो भी क्लासेस आपको लाइव क्लास में मिलती हैं उसमें मल्टीपल एडिशनल कॉन्टेंट भी दिए जाते हैं, तो आई थिंक इससे कम नहीं, से बहुत ज़्यादा घंटे का आपको सिलेबस मिल जाता होगा कंटेंट। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम देकर आप उसको पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, CCNA का अपडेटेड एग्ज़ाम है, और इसके लिए कंप्लीट ये प्रिपरेशन है। आफ्टर ट्रेनिंग आप एग्ज़ाम के लिए सीट बुक कर सकते हो, एग्ज़ाम बुक कर सकते हो। एग्जामिनेशन प्रोसेस जब आपको करना होता है तो आपको पूरा गाइड किया जाता है, कैसे एग्ज़ाम देना है या डम्स वगैरह कैसे बाई करना है, वॉट एवर, इसका फी अलग होता है, सिस्को को पे करना होता है, और आप अपना एग्ज़ाम भी सिस्को की साइट से बुक कर सकते हैं, प्रॉपर गाइड मिलता है। कोर्स बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो कोर्स में काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, जैसे जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि भाई मुझे नेटवर्क कैसे स्टार्ट करना है, नेटवर्किंग होता क्या है, तो उनको भी यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से नेटवर्किंग फंडामेंटल कोर्स मिल जाता है। ये मैंने कोर्सवेयर में ऐड नहीं किया, बताया नहीं है, बट आपको स्टार्टिंग का जो वीक होता है ना, ये पूरा डेप्थ पार्ट नेटवर्किंग एसेंशियल का पढ़ाया जाता है, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आता है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए था।
करियर एडवांसमेंट के लिए आप जा सकते हो, अपने करियर को बूस्ट करने के लिए। ऑलरेडी नेटवर्क इंजीनियर हो, आईटी सपोर्ट इंजीनियर हो आप, या फिर एक किसी भी ऐसी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर ऐसी प्रोफाइल पर हो जहां से आप अपने करियर को, अपनी प्रोफाइल को बूस्ट करना चाहते हो, तो ये कोर्स काफ़ी हेल्प करेगा। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको मिलता है, प्रोजेक्ट बेस आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाता है। तो इवन देन जो कंपनी में लैब बनते हैं, कंपनी में मल्टीपल सर्विसेज चलती हैं, राउटिंग चलती है, स्विचिंग चलती है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सिक्योरिटी ACL जैसे कॉन्सेप्ट चलते हैं या वैन प्रोटोकॉल्स चलती हैं, उन सब का कन्फिग्रेशन यहाँ पर आपको विथ इंडस्ट्री बेस्ड लैब मिलता है। नेटवर्क जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलता है और ग्लोबल रिकग्नाइजेशन आपको मिलता है, सिस्को टेक्नोलॉजी मास्टर एंड प्रिपरेशन फॉर एडवांस सर्टिफिकेशन। ये एक तरीके का इंटरनेशनल लेवल के आइडेंटिटी के लिए आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। अगर आप इसको बोलते हो कि आईडन CCNA इन 2024 ये सब, तो किसी भी कंट्री किसी भी देश में आप बोल सकते हो कि आपने किया, आपके पास इसकी नॉलेज है। इंडस्ट्री रिलेवेंट नॉलेज आपको मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास हो जाती है। तो इवन देन मैं ट्रबल शूटिंग लैब वगैरह बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, हालांकि मेरा पिछला बैच है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को पहले सभी लोग, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। और यहाँ से आप देखो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, लाइव क्लासेस का, ट्रबल शूटिंग, ये देखो ट्रबल शूटिंग वगैरह का भी वीडियो यहाँ पर आपको मिलता है। जो स्टूडेंट लाइव पढ़ रहे होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी ट्रबल शूटिंग्स होती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं। तो काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। डेमो क्लास के लिए आप देखो यहाँ पे कैसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं लाइव बैच में, और ये सारी चीज़ें कैसे पढ़ना होता है। जूम पर क्लासेस होती हैं, बहुत ही बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सारी चीज़ें घर बैठे सीख सकते हो और अपना लगभग 80-90% पैसा बचा सकते हो, आने जाने प्लस कन्वेंस टाइम बहुत सारी चीज़ों का, और एक फ्लेक्सिबल टाइम पर आप इसको पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर मॉड्यूल्स की बात करें तो मैंने यहाँ पर टोटल 8 मॉड्यूल ऐड किया हुआ है, और 9 मॉड्यूल आप बोल सकते हो, बट 9 मॉड्यूल को मैं टेक्निकली नहीं रखा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल 8 मॉड्यूल आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। और अपडेटेड कंटेंट होने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। इन सभी मॉड्यूल्स को अगर देखें तो मॉड्यूल नंबर 1 विच इज़ नेटवर्किंग एसेंशियल, और यहाँ से आपको मैं सारे कंटेंट एक्सप्लेन करता हूँ जिसके आप थ्रू आप समझो कि इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, कैसे कैसे कॉन्टेंट हैं। सो नेटवर्क एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, लाइक यू विल लर्न अबाउट बेसिस फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, एंड देन यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू मैनेज नेटवर्किंग डिवाइसेस, हाउ टू यूज नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड द फंक्शन फीचर्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, हाउ यू कैन रिकग्नाइज एनी नेटवर्किंग डिवाइस राइट, एंड वॉट इज द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ एनी नेटवर्किंग डिवाइसेस। सो यू विल लर्न दीज ऑल थिंग्स इन लाइव सेशंस। वी विल डिस्कस विद प्रैक्टिकल पार्ट, ओके। Ethernet technology, you will learn about cable media, fiber media and all, like what is STP, UTP, which one is best cable for networking, how to prepare twisted pair cable, how to prepare cross, how to prepare straight over cable, okay, so you will learn these all things. Transmission mode, like how to manage simplex mode, how to manage duplex mode, how to manage half duplex, how to manage full duplex. One session content or one topic content, multiple sub contents or multiple sub topics. एक topic के साथ आपको additional बहुत सारे content देखने को मिलते हैं। OSI model with TCP/IP model, it is a best model, और जिसके through आप data flow को समझते हो कि how devices transfer the data from source to destination, how does devices work टू मैनेज डेटा फ्लो एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। इवन देन यू विल लर्न कम्प्लीट IP version 4, लाइक वॉट इज IP version 4, हाउ टू असाइन एड्रेसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, वॉट इज सबनेटिंग, वॉट इज CIDR, वॉट इज VLSM, यू विल लर्न वॉट इज IP version 4, वॉट इज EUI एड्रेस, वॉट इज लिंक स्टेट, वॉट इज मल्टीकास्ट, वॉट इज एनी कास्ट, वॉट इज broadcast, you will learn multiples of things about IP version 4 and IP version 6, means it is a complete package, more than 6 to 7 hours आप इसमें पढ़ते हो IP के बारे में, only 6-7 घंटे आप 10 मिनट में इंटरनेट YouTube पर देखकर इसकी क्लासेस और चीज़ें समझ जाते हो, बट 6-7 घंटे जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें कितना कॉन्टेंट आपको मिलने वाला है।
ओके रेस्ट आपके पास है आईपी वर्जन 6 का लर्निंग एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी ऐड करी गई है ताकि आप ओएसपीएफ जैसे बड़े नेटवर्क के साथ अगर आप अपनी राउटिंग करते हो तो आप समझ पाओ कि कैसे आप ओएसपीएफ को IPv6 के साथ कॉन्फ़िगर करते हो, मैनेज करते हो। मैक एड्रेस विथ सिक्योरिटी लैब। अब देखो मैक एड्रेस एक बहुत एडवांस टॉपिक है, इसके हैक अटैक का जो प्रोसेस चलता है इसके बारे में विथ प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। अब जो सिक्योरिटी का पार्ट आप देखोगे ना, कि मैंने सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों बोला यहाँ पर, हर एक मॉड्यूल के साथ मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी या हर टॉपिक के साथ सिक्योरिटी लेवल के कंटेंट को मैंने ऐड किया है, उसको डिस्क्राइब करना, सिक्योरिटी लेवल के फंक्शन को इनेबल करना और सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। रेस्ट अगर मैं बात करूँ अबाउट नेटवर्किंग फंडामेंटल आर मॉड्यूल टू, तो मॉड्यूल टू में हमारे पास है सोहो नेटवर्क विच इज़ द इक्वल टू लैन मैन कैन वैन, ये सारे चीज़ों के इक्वल में ये टोपोलॉजी होती है। ऑन प्रीमाइसिस वर्सेस क्लाउड नेटवर्क क्या है, लेयर टू लेयर थ्री डिवाइसेस क्या होती हैं, इनका कंप्लीट प्रैक्टिकल डिफरेंस आप देखेंगे। राउटर का फंक्शन आप समझेंगे, राउटर कैसे वर्क करता है, राउटर के पोर्ट कितने होते हैं, हाउ वी कैन अप्लाई राउटर इन आर नेटवर्क टू कनेक्ट इनसाइड आर आउटसाइड ट्रैफिक, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट सर्वर एंड वॉट इज़ द फंक्शन फीचर ऑफ सर्वर, हाउ यू कैन लर्न अबाउट सर्वर एंड एग्जैक्टली वॉट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। वी विल लर्न अबाउट पावर ओवर इथरनेट डिवाइसेज कोलिजन एंड डुप्लेक्स एंड पॉइंट डिवाइसेज विद सिक्योरिटी फंडामेंटल्स एंड सिक्योरिटी इन्हांसेस TCP, UDP and other ports information and how you can recognize packets over a network, how you can monitor your TCP, UDP packets over a network, two-tier, three-tier architecture, unicast, multicast, anycast address, client operating system versus network operating system. You will learn or we will share the self-paced video about both topic. तो उन दोनों के point of view से आपको क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाता है जो वीडियो के थ्रू समझ सकते हो, क्योंकि इन CCNA इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर चीज़ पढ़ा दी जाए। अब मैंने इतना सारा कंटेंट ऐड कर दिया तो हर चीज़ मैं पढ़ाने ही लगूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और उतना एक स्टूडेंट कवर भी नहीं कर पाएगा, उसको टाइम चाहिए होगा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। आप अगर 100 चीज़ पढ़ते हो है ना, और उसमें से 90% आप भूल जाते हो, नहीं समझ पाते हो, और आपने 50% पढ़ा और 50% आप जितना कैपेबल उतना याद कर लेते हो, 40% याद कर लेते हो, तो आई थिंक रेशियो आपका क्या है, 50 वाले में ज़्यादा है। तो एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा या एक लर्नर को बहुत ज़्यादा कंटेंट भी नहीं दिया जा सकता, नहीं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा ये सारी चीज़ें। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बेस्ड कंटेंट डिज़ाइन किया गया है। मैं यहाँ पर मोर देन 10 आर 11 ईयर का एक्सपीरियंस ऐड किया हूँ और बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। विच इज़ मॉड्यूल नंबर 3 विच इज़ नेटवर्क एक्सेस। इन दिस टॉपिक और इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस अबाउट स्विच एंड राउटर पोर्ट्स एंड फंक्शन, वॉट अबाउट टेलनेट एंड वॉट अबाउट SSH, वी विल डिस्कस हाउ यू कैन कॉम्प्रोमाइज और हाउ अ हैकर हैक योर टेलनेट नेटवर्क राइट, एंड हाउ हैकर हैक योर SSH कन्फिग्रेशन। सो ये सिक्योर है, ये सिक्योर नहीं है, बट इनको हैक कैसे कर लेता है हैकर विथ प्रैक्टिकल, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। iOS बूट प्रोसेस, बैकअप एंड रिकवरी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियर्स टू लर्न हाउ आर डिवाइस आर हाउ राउटर डज वर्क आर बूट एंड ऑल राइट, क्योंकि अगर आप डिवाइस को या अपने वेपन को जितना बढ़िया से समझते हो ना, उतना बढ़िया से उसको इस्तेमाल कर पाते हो है ना, तभी आप एक बेस्ट इंजीनियर होते हो। हाउ वी कैन सेटअप FTP सर्वर विथ लाइव मशीन एंड ऑल, सब कुछ यहाँ पर समझेंगे हम लोग। VLAN, VLAN trunking, inter VLAN, static versus dynamic VLAN concept with configuration, monitoring of VLAN traffic, how you can monitor your VLANs, what is spanning tree protocol, how to implement, how to check, how to troubleshoot spanning tree protocol, how to manage or use PBST, RSTP, how to manage root bridge, port fast, port states, types of port state, functionality functions of VLAN environment, BPDU guard and root guard, what is the process and how to enable it, how to recover your down interfaces,
and many more thing. We will discuss about switchboard security, ether channel security and all, like these are the advanced topic for switching. तो काफी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं. इवन देन इन सब कंटेंट के अंदर भी मल्टीपल कंटेंट होते हैं, क्योंकि उन सबको बाहर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि फिर तो हमें ये पूरी बुक बन जाएगी, है ना, कंटेंट नहीं बचेगा. और आगे अगर हम लोग देखें मॉड्यूल नंबर 4, विच इज आईपी कनेक्टिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग राउटिंग, राउटिंग प्रोटोकॉल कोड, राउटिंग टेबल्स, राउटिंग मैट्रिक्स, राउट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, टाइप्स ऑफ राउटिंग, लिंक स्टेट वर्सेस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन विद ट्रबल शूटिंग, वी विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट, हाउ टू इम्प्लीमेंट सबनेटेड पार्ट, सबनेटेड आईपी ओवर नेटवर्क, हाउ टू डिफाइन आर अरेंज मल्टीपल सबनेटेड नेटवर्क फॉर अ कंपनी नेटवर्क, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, रिप, PIGRP, OSPF, रिप वर्जन 2, रिप वर्जन 2 ऑथेंटिकेशन, OSPF, OSPF V3, राउटिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन, BGP वगैरह मैंने ऐड कर दिया हुआ है जस्ट फॉर बिगिनर की आप इसके बारे में भी कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें समझ जाओ, विच हेल्प यू टू फाइंड द डिटेल अबाउट आर विच हेल्प यू टू मैनेज लाइक डिफरेंट एशियल आर सॉरी डिफरेंट AD नेटवर्क आर AS नेटवर्क. और ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं एक इंजीनियर्स को समझने के लिए इंटरनेट मॉडल वर्क कैसे करता है. एंड देन आईपी सर्विसेज वी विल डिस्कस अबाउट HTTP, HTTPS, देन DNS, देन DSCP विथ रिले एजेंट, बोथ आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट और इंटरव्यू का सबसे टॉप क्वेश्चंस होता है. क्वालिटी ऑफ सर्विस, नेट नेटवर्क सॉरी टाइम प्रोटोकॉल, सिसलॉग, लाइव प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, SNMP जो हमारा नेटवर्क मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल है, प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे, ACL के बारे में कंप्लीट, और 4 टाइप की ACL होती है, इसकी लिस्ट कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं. देन HSRP, हाउ टू मेंटेन हॉट स्टैंड बाई राउटिंग प्रोटोकॉल नेटवर्क, और इसको प्रैक्टिकली कैसे समझा जा सकता है, प्रिंटिंग कैसे करते हैं, वी विल डिस्कस दीज ऑल थिंग्स एंड मेनी अदर थिंग्स वी विल डिस्कस इन आईपी सर्विसेज. और साथ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो HDLC, WAN, PPP, मल्टीपल सब थिंग्स कवर किया जा सकता है. एंड देन आपका सिक्योरिटी फंडामेंटल है, डिफाइन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, पेलोड, एक्सप्लॉइट, प्रैक्टिकल के साथ सब कुछ, लाइव अटैक, हैक, सारी चीज़ों के साथ हम लोग देखेंगे. इवन देन यू कैन अप्लाई जॉब फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर आफ्टर दिस प्रोग्राम, अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो. देन फुटप्रिंटिंग, पासवर्ड सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, ARP इंस्पेक्शन, DSCP स्नूपिंग, मशीन हैकिंग, नेटवर्क मैपिंग, SQL इंजेक्शन, लाइव, ये सब अटैक के साथ हम लोग देखेंगे. हाउ यू कैन अटैक लोकल सर्वर एंड सेम प्रोसेस हैकर अटैकर यूज टू हैक योर मशीन. सो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है देन यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क आर योर ऑर्गेनाइजेशन आर कंपनी नेटवर्क, राइट? इट इज मैंडेटरी टू लर्न हाउ डज सिक्योरिटी फंक्शन वर्क और हाउ डज अटैकर वर्क टू एक्सेस एनी नेटवर्क, टू एक्सेस एनी मशीन, टू एक्सेस एनी सर्वर, ओके? ये सारी चीजें. एंड देन सोशल इंजीनियरिंग, हाउ अ हैकर अटैकर क्रिएट अ फिशिंग पेज, ओके? वी विल डिस्कस विद द प्रैक्टिकल DDoS एंड DOS अटैक प्रैक्टिकल के साथ, VPN सिक्योरिटी, AAA ऑथेंटिकेशन, PPP ऑथेंटिकेशन, वायरलेस सिक्योरिटी. वायरलेस का बहुत इंटरेस्टिंग, आई थिंक इसमें 2-3-4 घंटे आपको पढ़ाया जाता है, तो वाईफाई का एक सिक्योरिटी सिस्टम आप समझते हो, राइट? तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं. देन मॉड्यूल नंबर 7 विच इज़ IP वायरलेस सर्विसेज, वाईफाई, वाईफाई बेसिस, WPA, WPA 2, WPA 3, WLC, एक्सेस पॉइंट, फंडामेंटल ऑफ मेराकी क्लाउड, वाईफाई सिक्योरिटी, एंटरप्राइज वाईफाई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू सेटअप अ रेडियस नेटवर्क विद वाईफाई विद टोकन बेस सिक्योरिटी, सो मेनी थिंग्स वी विल डिस्कस अबाउट थिंग्स. एंड देन नेक्स्ट हम लोग लर्निंग अबाउट ऑटोमेशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑटोमेशन एंड कंट्रोल प्लेन क्या है, डेटा प्लेन क्या है, मैनेजमेंट प्लेन क्या है, DNA सेंटर क्या है, एंड PRTG का वीडियो कोर्स आपको मिलेगा, सिस्को ऐसे फायरवॉल भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे. काफ़ी चीज़ें ऐड करी गई हैं जिससे आप फायरवॉल एज एंट्री लेवल पर सीख जाते हो, कैसे यूज़ करना है, कैसे पॉलिसी बनानी है, इनसाइड आउटसाइड ट्रैफिक होता क्या है, DMZ की ट्रैफिक कैसे मैनेज करते हैं, इनसाइड से बाहर ट्रैफिक कैसे भेजते हैं, बाहर से ट्रैफिक अंदर कैसे लेकर आते हैं, और
कुछ वीडियोस कोर्स आपको मिल जाएगा पोलो ऑल्टो के थ्रू भी, तो पोलो ऑल्टो का कोर्स यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो, या तो फिर मैं वीडियो के थ्रू लाइव कोर्स क्लास में शेयर कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाता है। तो मोर देन 5 to 6 आवर्स का सेशन इसका वीडियो कोर्स आपको मिल जाता है। प्लेसमेंट गाइड मिलेगा, कैसे रेज्यूमे बनाना है, कैसे प्लेस होना है, ट्रिक्स कैसे आपको अपनानी है अपने अच्छी प्रोफाइल को अचीव करने के लिए, कैसे इंटरव्यूअर या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, जॉब कहाँ से सर्च करनी है, कैसे अप्लाई करना है, बेस्ट रेज्यूमे राइटिंग कैसे करते हैं, और एक टेम्पलेट कैसे बेटर टू बेटर बना सकते हैं रेज्यूमे के लिए, आपकी रेज्यूमे अपीलिंग है या नहीं है। रेज्यूमे ऐसा तो नहीं देखते हैं चार बोले ये बिल्कुल बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, या वॉट एवर, कैसे कॉन्टेंट उसके अंदर ऐड करने हैं, तो डिस्कस करते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें। होप कि आपको सभी कॉन्टेंट समझ में आए होंगे, और व्हाट्सअप नंबर पर जाओ यार बात करो और इसको इनरोल कर सकते हो, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है। और साथ में यहाँ पर मल्टीपल सेशंस अपलोड होते हैं, फ्री में बहुत सारी वीडियोस होती हैं। तो अगर आप एक बिगनर हो और आप ये चाहते हो कि भाई मुझे पता नहीं कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, कैसे करना है, नहीं आइडिया लग रहा है, तो आप चैनल पर जाओ जस्ट और कुछ वीडियोज़ देखना स्टार्ट करो, और कोई भी प्लेलिस्ट जाओ, अगर आपको कोई प्लेलिस्ट अच्छी लगती है आप SACM या जो आपको समझ में आता है बिगनर के लिए, यहाँ पर फायरवॉल इंटरव्यू के कुछ टिप्स हैं, मॉनिटरिंग है, सिस्को वायरलेस है, ऐसे मल्टीपल कोर्सेज, बिगनर के कोर्सेज, नेटवर्किंग के कोर्सेज, विंडोज 11 एंटरप्राइज, जॉब गाइडिंग को लेकर 15 वीडियो क्रिएट की गई है, बहुत सारी चीज़ें, मोर देन 1300 प्लस वीडियोस हैं यहाँ पर। आप शायद 6 महीना साल भर लगाएंगे तब भी ये कंप्लीट नहीं होने वाला, मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स है। वीडियो सेशन में डेली अपडेट आपको मिलता है, सब्सक्राइब करके अगर आपने रखा होगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस किया होगा, तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और प्रोजेक्ट ट्रेनिंग लाइव क्लास सारी चीज़ें होती हैं, अपनी लाइव क्लासेस का अपडेट कम्युनिटी में अपलोड किया जाता है, तो आप ज़रूर इसको देखो। और ये सारी चीज़ें हैं, फायरवॉल की एडवांस सीरीज या जो भी अपडेट होता है माइक्रोसॉफ्ट्स के लिए जा सकते हो, CCNA का यहाँ पर ब्राउज़र आप देख सकते हो, और वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, बट डायरेक्टली आप चैट सपोर्ट लेकर अपना जो भी प्रॉब्लम है, क्वेरी क्वेश्चंस हैं, लाइव क्लासेस को लेकर डिस्कस कर सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा। माइक्रोसॉफ्ट्स के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, सोशल मीडिया पर आप अपडेट रहते हो मेरा क्या प्लान है, क्या आने वाला है, साइबर सिक्योरिटी का नया बुक स्टार्ट होने वाला है, फ्री में यूट्यूब पर ही स्टार्ट होगा, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं यार, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।